आप समझा क्यों ना करो बात, आप नबी कर रखी हूँ मैं कहती को नहीं, बस आपका तो यूं ही दिमाग खराब रहेगा मेरे नाम, मेरी यही सिचुएशन ना तुमने पहला समझी ना ईद समझे ऐसे क्यों रो रहा है वो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं सब, होप सब अच्छे होंगे। सबकी राखी की रक्षाबंधन की तैयारियां कैसी चल रही है सब बताना कमेंट्स करके। लेडीज गर्ल्स ने सबने अपनी अपनी न्यू ड्रेसेस ले ली होंगी कि रक्षाबंधन पे पहनना, पर गर्मी इतनी है कि मतलब कुछ ऐसी ड्रेस पहनने का मैंने सोचा था मैं साड़ी डालूंगी रक्षाबंधन पे, लेकिन नहीं, इतनी गर्मी है और ऊपर से फिर लड्डू भी परेशान हो जाएगा, बार बार कैसे फीड कराऊंगी, बार बार कैसे। मैंने सोचा था पर मैं न्यू लुक लूँ, साड़ी चेंज करूँ, देखती हूँ अभी, कुछ 50-50 है कि मैं साड़ी पहनूँ। मैंने ये कुर्ती पहनी है आज, मैंने ये प्रेगनेंसी में डाल दी, मैंने सोचा कि मैं देखूँ कितनी लूज़ हो गई है ये, पर लूज़ तो नहीं हुई, ठीक है, मतलब नॉर्मल है। मुझे अपना फेस कैमरे में ज़्यादा साफ दिख रहा है रादर देन मैं रियल में देख रही हूँ, क्या आपको भी ऐसा ही लग रहा है? मेरे को मतलब कैमरे में क्लियर तो है, अच्छा इम्पैक्ट है, आप करा सकते हो हाइड्रा फेशियल, ठीक है। बाकी आज का व्लॉग घर का रहेगा, जो डेली रूटीन का होता है। बाकी स्टे ट्यून्ड और ऐसी व्लॉग्स को मतलब व्लॉग को पूरा देखना, स्किप मत करना कुछ भी, क्या क्या हम इंजॉय कर रहे हैं घर पे, क्या खाना पीना खा रहे हैं सब आपको दिखेगा, और रक्षाबंधन की क्या तैयारी चल रही है वो भी दिखेगा, ठीक है। गाइस, तुषार की ड्यूटी है लड्डू को सुलाने की, अभी उन्होंने अच्छी ड्यूटी दी तुमने मेरे से, देख कैसे परेशान हो रहा है लड्डू भी, देख देख, अच्छा ले सुला उसको, नींद के मारे रो रहा है, हो सकता है क्योंकि दूध तो ये पी चुका है। क्या हुआ लड्डू? ये भी पी रहा है भाई, आज क्या हो गया? कपड़े नहीं पहन रखे इसको, ढके रखना ठंड लग जाएगी, नू डाय कर जी, ओए मेरी बेटी क्या हो गया? क्या हुआ लड़का लटा रहे थे लड्डू, क्या हुआ बाबू? हेलो, मैं कुछ पाई सोने नहीं देते, सो जा लड्डू ने बोला शेटा भी, लड्डू की नानी ने शेटा बोला है, न्यू रोता मैंने बिठाया, क्या हो गई क्या हुई? ओ बता रहा था, बैठ के तो मेरे को रहना था लड्डू, कभी कभी दवाई ले रहा है लड्डू, दवाई भी कोई लेने की चीज है भाई, और ऐसी ये देने की होती है खुद लेने की नहीं होती, दूसरा तो भाज के देते हम भैया, हमने पीनी पड़े, मैं चश्मे के बिना दिखता कोनी की, कितने लगा लगे वो कटरो पर, आड़े लगा आड़े ले पीले पीले और तू ना ना कि मैं वो टॉनिक है जो पीते रहे है ना लड्डू, हसी है सीरानी, आ जा मी बेटी, आई मी सोना मेटी मेथी, मेरा राजा, मेरा राजकुमार। हेलो, क्या कर रहे हो? मूड क्यों खराब हो रहा है फिर? फोन करती क्यों ना, करने तो लग रही, बिजी रहूं मैं, आपने पता है ना बेबी के साथ कितना काम हो जाए, ब्लॉग का भी करना हुआ है, एडिटिंग भी करनी हो, बेबी से मिलना हुआ है, अर पेपर भी है, तूने पता है अभी ना आ सकती मैं घर पे, क्यों ना आ सकती भाई, थोड़ी रुक रही है तुम, थोड़ी ना रुक रही है, अभी मेरे पेपर है वहां, मेरे पर ना बेबी सम लेना, पढ़ाई होगा काम के बीच में, और 3 महीने का वैसे परहेज है, जीने वीने इतने चढ़ने का, बार बार चढ़ना पड़ा, यहाँ तक मेरे नहीं कहीं पर भी जाऊँ तो एक ही जीना चढ़ना पड़ा, वहाँ हर एक काम तो दो दो जीने चढ़ने पड़े, और ऐसा कोई मतलब मम्मी भी एज इतनी हो रही है कि मैं मम्मी तो भी ना दे सकती कि प्रॉपर संभाल ले। हाँ तो
मैंने तो कुछ कराना है ऐसा। अरे रहने दे, करते 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 तुम्हें कहने में कुछ कराना, ठीक है? करा जरा, बस बहुत हो गया तेरा। अभी नहीं आ सकती, मेरे पेपर है, मैं नहीं आ सकती। करा जरा, करा जरा, बस बहुत हो गया। आप समझा क्यों ना करो बात। बस हो गया, समझ लिया मैं, इतना समझ रहा था। मैं समझ सारी बात, तुम समझ ये कुछ भी। अभी टाइम अभी ना आ सकती मैं। आप यह चीज से समझ सको भाई, वहां जाकर ना पढ़ा जाए ना, बेबी की केयर हो ढंग का, यहाँ मम्मी तो है कम तक, आप संभाल लोगे कोई? मैं संभाल लूंगा। हाँ सब पूरी जिंदगी उड़े रहेगी के भाई, जब भी तो संभालना पड़ेगा। तो अरे जब मैं पेपर तो फ्री हो जाऊंगी ना, इतने मेरी तबीयत भी मतलब यूं हो जाएगा कि हाँ मैं जब भी पढ़ लेंगे, ठीक है? तो तुम पढ़ते हैं, मैं तो बड़ा पढ़ता हूं। आप यहां रहो, ठीक है ना? तुम तेरे किसी तरह बताओ कि मैं बिजी बिजी हूं, कि आज मेरा थोड़ा बहुत ही फोन करने का टाइम ना मिला है, बात कर दी बस। असली का हंसू हंसना रही, मैं यूं करूं क्या? बेवजह लड़ाई करने लग रही है, रख ही पाने तो लग रही मैं। क्यों हो, तो त्योहार है, मनाना ना है। मनाना ना है, तेरी गलती आगे ने देखी हो, मतलब वो भी दिखा हुआ है कि आग लग रही है, देखो रिवील भी अभी लग रहा है। आप क्या कर रहे हैं? सब आवाज सब जाए कि तू ना ही करेगी सारी चीज, सब कुछ मैनेज कर ले। इरिटेट कर दिया था ना मैंने, आपने भी कर रखी हूं। मैं कहती को नहीं बस कुछ जो मना था हुआ है, ठीक है? क्यों अरे तुम गलती करो, तुम जिंदगी मान नहीं आज तुम मान ले। हां जब मेरी गलती हो जाए मैं मान लूं, जब आओ ना तेरी को डराया रही थी बस, वो तो गया था, ठीक है? नहीं मैंने बता दी तेरे बस, अभी ना आ सकते आप इस बात ने क्यों ना समझ सकते? दिमाग कौन खराब है यार, वो तो गया था। मतलब प्यार तो बात समझ नहीं कोनी, कुछ भी बोलन का मतलब है बस। कुछ ही बोलन का मतलब है, प्यार का बात ना समझ ले, तो समझ जा प्यार का खराब कर दी। जब मैं पहले ही घर जाके कह दी ना कि मेरे पेपर है, मैं 2 महीने नहीं आऊं, वहां पर नहीं हो सकता। रात 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 रही हूँ, कितनी बार उठे मैं, सुबह उठ के काम भी कर लूं, पढ़ भी लूं, सब कुछ कर लूं। दिमाग खराब कर दिया आपका, तो यूं ही दिमाग खराब रहेगा। मेरे ना मेरी यही सिचुएशन ना, तूने पहला समझी ना, ईद समझे बस, केयर केयर दिखानी आए मेरी सिचुएशन में रह के देखा है कि मैं मां बनूं? बाप तो है, माना है तो मां बन भी ना सकते। एक आधे दिन फोन ना करा तो उसमें बिजी है, आप कद कर लो मित्र फोन, जब मैं फोन करूं जब उठाए करो। कदे फ्रेंडा के साथ बिजी हूँ, कदे कहीं पे बिजी हूँ, कभी कुछ कभी कुछ। देख यार नूना मानी के ऊपर भी गलती है, हद करे यार, हद नहीं करे, हद हद कर दी तो बस, हद सही बताऊंगा, हद कर दी तक थी तू दी यार, याद नहीं आ रहा। किसने सिखा दी है आप? मैं किसने ना सिखाया ना, पहला तो आपने, मैं दो महीने पहला भी रुक रही हूँ, 1-1.5 महीना, जब तक आपने कुछ ना कही मैं नहीं आ सकती अभी, आप क्यों ना समझते? एक बार बार कितनी बार एक बात समझानी पड़ेगी। अरे मम्मी पापा भी भेजे भी कोनी, तो मैं मना थोड़ी करूँ कि मैं आती है कोनी। ये बेस की तबीयत ठीक ना है, ठीक है की तबीयत, 3 महीने का परहेज है वो है, तेरे मम्मी के इतना बस की ना, कौन बैठा खुआ हुए अरे कह लिए थोड़ा संभाल ना। जी था तो रह जाएगी, ये मरता है बात ना करेगी ना, जी बताइए क्यों अपने घर फोन क्यों ना करती है जी, कितनी फुर्सत मिलेगी क्योंकि जा ले गया था। एक आदमी की तो ड्यूटी सिस तो चाहिए है, सब काट ले कितना पुरुष तुम कटवाओ सारी अड़नी ने रख के, पढ़ाई की भी अपने ब्लॉगा की भी रीला की भी ना, ना बिल दियो यार,
तो ना रक्षाबंधन पाओगी फिर उससे तुम उल्टी आ जाएगी। ये प्रेज जाएगा 3 महीने का, मैंने भी कह दी 3 महीने का प्रेज है, बहुत होगी। ले लीजिए 3 महीने हो गए। कुछ भी मतलब यार मेरे भी गुस्सा आ, ठीक है ये कोई बात हो है कह दे अपनी मम्मी तो बात कर ले सीधी ना मम्मी ने दुखी कराया है कल जाए जा ना मम्मी ने भेज रखी हूँ ऐसे क्यों रो रहा वो क्यों रो रहा तू ये रोनकी की बात है कह दे ना कि मम्मी तो फोन करवा के बात कर ले ना मम्मी ने भेज रखी हूँ जो हस्बैंड ना समझेगा तो ससुराल वाले क्या समझेंगे बुला ले फिर भेजे ना हमें इतना स्ट्रेस लेके ऊपर रहोगे एक आदमी 30-30 चाहिए पूरा दिन में पेपर देखा होगी जब ना ये रखना पड़ेगा और उनके पैर में दर्द दवा क्यों कर लेकर आओगी रुक गए यो मन भी परेशान कर दे जब रखना पड़े है ना लड्डू ये तुम ज्यादा अपने पापा को फिर भी ना समझता ना अभी आपके आगे ना बात करूं थी वही हम क्या केस कर हम तो बाकी तेरे पापा से बात करवा दे अनु भी तो सोचा भाई ये बता 3 महीने का तो परेजे है 2 महीने तो ये है अब यहाँ नहीं जागा पे क्योंकि पहला पता था मेरे पेपर है मामा पेपर दे के आऊंगी यहाँ ना दिया जा पेपर मैं परेशान कर रहा हूँ समझा लो ठीक है रोना रोते नहीं कुटगर लेना मेरी बेटी बस ला फोन मिला के दिला मैं बात नहीं मैं तो उसके मुंह नुए रहेगा भेज दो आ जा नुए रहेगा उसका आधा रक्षाबंधन को तो जानते लग रही रक्षाबंधन ने मिला यार अपनी मम्मी से क्या भेज आगे नुनु मेरे को फोन करके परेशान कर रहा हूँ आ जा रखे पापा समझा दो मैंने भेज रखी समझी क्या भी जाऊंगी रो मन पहला यार इतनी बतेरी जापी उम्र हो रही है सब नट्टा थी ना मत रो ये तू घर आकर भी रोगी तो फायदा क्या घराना का या तो सिचुएशन ऐसी हो जाए रोना आ जाता इस टाइम जब चल जब पता पहला ही महीना था कि जब रोना आ जाता है नू में भाई सिचुएशन ऐसी हो जाती मूड स्विंग्स होते सब कुछ था अच्छा कौन के बाद कौन से मूड स्विंग होते लड्डू उठा दिया बेचारा सोने लग रहा था देख कैसे हिलाने लग रही है लड्डू ने पानी पे गला हमने लेके जाए सवालो उठाओ मत तू खिलाई ना मैं चली ऐसे कैसे चली बोल के ये उल्टी सुहा के जाओ इसने यो उल्टा सुहा के जाओ यो ना सोया तो मैं कहाँ घंटे बैठी रहूंगी खबर वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं ले जाऊं तो तू सोवा के दे जाएगी ठीक है ना लड्डू है ना लड्डू पहले तो लड्डू को उठा दिया अब कह रही है तू खिला मैं चली अच्छा बहुत अच्छा ने देख ले लड्डू तेरी नानी पहले तो हिला के तू उठा दिया उठो अब सोने भी नहीं दिया मेरे को देख कहाँ देखा इसने कहीं बजता सुन जा कुछ यहाँ पापा बैठे हैं ना फोन में लग रहे हैं ये अब ध्यान नहीं